हेलो सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी दिस इज योर लेक्चर नंबर ऑफ टारगेट प्लस सीरीज और यहाँ पे हम उस दिन के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वेदर दे आर फ्रॉम द हिंदू इन इंडियन एक्सप्रेस ऑल इंडिया रेडियो सब जगह से कंपाइल करके उसमें से थीम पिक करके वी रिलेटेड टू स्टार्टिंग एंड एंड फिर उसको पढ़ते हैं ठीक है एंड वी आई ऑल्सो प्रोवाइड यू हैंड आउट लाइक दिस एंड यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम आई टेलीग्राम चैनल द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज जी एस अंडर स्कोर गिल यू ठीक है एंड इफ यू टू आस्क मी एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन तो वो मेरे इंस्टाग्राम आई डी एंड टेलीग्राम आई डी दैट इज जी एस अंडर स्कोर गेल जीरो सेवन वहां पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है जी चलो गुड uh, इवनिंग जिने दिन हर्षप्रीत सिद्धार्थ तरन पूजा आध्या शालिनी करिश्मा जयदेव वैशाली मेधा आदित्य पिया चेरी रीना आस्था प्रियता चलो टायरिंग डे आपके लिए भी होगा नहीं अच्छा जो क्वेश्चन एक अभी आई गेस तिया ने अपलोड करा था चैनल में है ना दैट बिलोंग्स टू एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट में जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे राइट right? तो तब वैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे क्लियर चलिए हर एक बुक का अपना एक कैटेगराइजेशन होती है कि उसने किस आ, उसमें स्लो में उसको फिट करना है क्वेश्चन को तो उन्होंने वहां पर कर दिया होगा ठीक है बट दैट बिलोंग्स टू एनवायरमेंट क्लियर

फर्स्ट थिंग सबसे पहला हम देखते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस सबसे पहली चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे किसी भी एमपी को डिसक्वालिफाई करा जा सकता है दैट इज अंडर आर्टिकल ऑफ 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 द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ ही ऑफिस ऑफिस प्रॉफिट प्रॉफिट क्लियर अभी अगर कोई पूछे भाई of है क्या मेंस के लिए इसके बहुत सारे केसेस हैं जया बच्चन केस दिस केस दैट केस कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सपैंड भी करता रहता है ठीक है उसके बाद जो यू जस्ट हैव टू नो कि भाई गवर्नमेंट इज गिविंग समथिंग प्रॉफिटेबल पोस्ट टू द एमपीस क्लियर ऐसा हुआ क्यों इसका कारण आपको पता होना चाहिए क्यों 91st Constitutional Amendment Act आया 91st Constitutional Amendment Act ने क्या करा उसने जो थी ना, वो कर सीट लिमिटेड कर दी तो अभी इफ द गवर्नमेंट किसकी सीट्स मिनिस्टर सीट की लोकसभा की स्ट्रेंथ अगर 550 है तो इसमें से ओनली 15 परसेंट ऑफ पीपल कुड बी मेड मिनिस्टर्स

आज के बाद वेनएवर यू स्टडी द वर्ड गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटी सिर्फ एक ही चीज है गवर्नमेंट मीन एग्जीक्यूटिव तीन ऑर्गन होते हैं ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी गवर्नमेंट जहां भी लिखा होगा जैसे आप बोलते हो कि भाई कई बॉडीज बनती हैं गवर्नमेंट ऑर्डर से दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ओनली ठीक है तो गवर्नमेंट आज से वेन एवर यू रीड इन पॉलिटी दैट मीनस योर एग्जीक्यूटिव तो पार्लियामेंट का काम तो है जी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना एंड बाई ऑफरिंग द पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रोफि टू एन एमपी आप एम पी को क्या 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 बना रहे हो एग्जीक्यूटिव और द गवर्मेंट सो दैट्स लॉजिक इसलिए एमपी को डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा ऑफ प्रोफिट of वो होल्ड कर रहे हैं सेकंड थिंग इज वी हैव टू एडियर टू द प्रिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तो जैसे यूपीएससी का भी करंट ट्रेंड चल गया पॉलिटी में थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछा तो इफ इट आस्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन टू इनकलकेट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्राइटेरिया फॉर डिस्कालिफिकेशन चार ऑप्शन दिए हों व टू सेलेक्ट दिस थ्योरेटिकल दिस थ्योरेटिकल डिक्ट उसके बाद यह भी माना जाता है कि भी को अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए और अगर वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो एक काम से भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे क्लियर चलिए सेकेंड थिंग अगर आप देखो दैट इज योर एंटी डिफेक्शन ठीक है वो है जी आपका एंटी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन की बात करो तो फिफ्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था नाइनटीन एटी फाइव के टाइम पे ठीक है तो 1985 के टाइम पर राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी और तब जो पॉलिटिक्स भारत में चल रही थी उसका नाम था आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स पीपल यूज्ड टू स्विच यहां चले गए वहां चले गए दिस एंड दैट क्लियर उसके चलते हुए हम 52nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और चार आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करी डू रिमेंबर ठीक है एंटी डिफेक्शन को यूनियन लेवल पे टैकल करने के लिए वी amended आर्टिकल नंबर 101 एंड उसको स्टेट लेवल पे भी टैकल करने के लिए वी हैड आर्टिकल 190 एंड 191 नाइनडेड समझ आई इतनी बात चलिए उसके बाद अगर यूपीएससी पूछे जी की भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो डिसक्वालिफिकेशन है वो किस पे अप्लाई होगी सिर्फ लोकसभा मेंबर्स पे नहीं लोकसभा मेंबर्स एज वेल एज राज्यसभा मेंबर्स दोनों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा सेकेंड थिंग एंटी डिफेक्शन लॉ में ना हम ये बोलते हैं कि भाई हु इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी तो जो उस हाउस का प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है याद रखना प्रेजाइडिंग ऑफिसर ठीक है तो वो जैसे ही कैन बी अ स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा तो वो लोग डिसाइड करते हैं लेकिन अगर यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले भाई क्या द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ तो उसका आंसर है हा बट एक चीज याद रखना राज्यसभा में दो लोग होते हैं एक बंदा जो स्पीकर की पोस्ट के साइमल्टेनियस रखा जाता है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट बट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो असल रूप में राज्यसभा का पार्ट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या बोलते हैं कि भाई ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा व्हाट डस दैट मीन बाय द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो राज्यसभा के चेयरमैन है अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ही विल नॉट बी द चेयरमैन तो इसलिए इनको सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट जी को छोड़ के क्योंकि इनका रिमूवल प्रोसीजर अपने आप में अलग है ठीक है तो इनका छोड़ के बाकी एवरी वन इन द पार्लियामेंट इज सब्जेक्टेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखना क्लियर वेदर ही स्पीकर लोकसभा एमपी राज्यसभा ही इज याद रखेगा उसके बाद नंबर वन ये आप याद रखना कि भाई किस सिचुएशंस में उनको जो है अपना क्या बोलते हैं रिमूव करा जा सकता है व्हेन यू हैव टू सी कि भाई एंटी डिफेक्शन की क्या क्या प्रोविजंस होंगी किस किस बंदे के लिए वी नीड टू डिवाइड द थ्री कैटेगरीज ऑफ एम सबसे पहले आते हैं नॉर्मल एमपी ऑर्डिनरी एमपी जिनको आप लोग इलेक्ट कर रहे हो इलेक्ट होकर जाके बैठ रहे हैं जी लोकसभा या राज्यसभा में ठीक है है नंबर वन अगर वो एमपी वोट ना करे ठीक मान लीजिए की पार्टी ने एक निर्णय लिया कि भाई कल ये बिल पास होने वाला है आप सबको इस बिल के ऊपर वोट करनी है वो पर्टिकुलर एमपी अपनी पार्टी की बात ना मानते हुए या तो वोट ना करे या जैसा उसकी पार्टी के विप ने बोला है उसके अपोजिट वोट करे

ये एक्सेप्शन है कि भाई उसका जो पार्टी अगर कंडोन कर देता है तो ही विल नॉट बी डिस्कालीफाइड क्लियर सेकेंडली अगर वो बंदा वॉलंटेली अपनी मेंबरशिप छोड़ देता है याद रखिएगा मेंबरशिप किसकी छोड़ने की बात हो रही है हाउस की नहीं पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है ठीक है तो यहां पे भी देखना यूपीएससी ट्रैप ना कर ले कि भाई हाउस की मेंबरशिप हाउस की मेंबरशिप छोड़ देंगे एमपी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है कि इफ यू गेट इलेक्टेड टू द हाउस तो पांच साल के लिए आपको रहना ही रहना है वहां पर यू कैन लीव द मेंबरशिप आप अपनी एमपी की पोस्ट छोड़ सकते हो लेकिन बाई बींग एन एमपी जिस पार्टी से इलेक्ट होकर आए हो उस पार्टी को आप डिच नहीं कर सकते ठीक है तो गिविंग अप द मेंबरशिप इसमें में तीन चार आगे डिबेट खुलते हैं कि भाई वो कर रहा है इसको कैसे डिफाइन करेंगे क्या पता उससे करवाया जा रहा हो और सेकेंडली वॉल्टेली वो डायरेक्टली मेंबरशिप अपनी गिव ना करे पर उसके एक्शन ऐसे हो कि वो मेंबरशिप गिव अप करना चाहता है तो वो दो जो एस्पेक्ट्स हैं वो मेन्स के लिए खुलेंगे क्लियर थर्ड ये दो चीजें याद रखिएगा फॉर द ऑर्डिनरी एमपी या वो वोट उल्ट कर रहा है या वोट नहीं कर रहा है एंड सेकेंड थिंग अगर वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहा है इसके पीछे का कारण क्या है इसके पीछे का कारण ये है कि वेन द एम पीज गेट इलेक्टेड रादर देन देयर नेम उनके पीछे लोग वोट करते हैं उनकी पार्टी को अभी एक प्रैक्टिकली एक चीज देख के देखो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपकी पर्टिकुलर एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन मेंबर है टू पार्लियामेंट ठीक है हार्डली कई लोगों को पता होगा और उनका पूरा नाम तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा लेकिन ये सबको पता होगा कि भाई वो बंदा बीजेपी से बिलोंग करता है वो बंदा आईएनसी से बिलोंग करता है या वो बंदा आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है ठीक है अगर आप अपने बुजुर्गों को भी घर में पूछोगे ना राधर देन सिंह उस बंदे को पावर में लेके आना देज कोट पार्टी उस पार्टी को पावर में लेके आएंगे हम तो उसके साथ हैं क्लियर हम पंजे के साथ हैं हम कमल के साथ हैं दिस एंड दैट दे टॉक इन दीज मैनर्स जब भी कोई एमपी एक इलेक्ट होके लोकसभा या राज्यसभा में जा रहा है उसके पीछे rather than his own thing उसके पीछे पार्टी का सपोर्ट है तो लोग पार्टी में विश्वास करके भी उसको वोट देते हैं दैट ही दैट पर्सन कैन नॉट डिच ठीक है याद रखिएगा उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है नॉमिनेटेड एमपीस की नॉमिनेटेड एमपीस दो कैटेगरी के, के हो सकते हैं सबसे पहले नॉमिनेटेड एमपीस उस कैटेगरी के, के मान लीजिए जिस दिन वो नॉमिनेट होने लगे हैं उसी दिन मान लीजिए कि लेट्स से आई एम द पर्सन ठीक है आई बिलोंग टू एक्स पार्टी और मैं अभी नॉर्मल डायरेक्टली इलेक्शन से पार्लियामेंट में नहीं जा रहा आई एम गोइंग टू द पार्लियामेंट नॉमिनेशन से लेकिन मेरी किसी न, किसी ना पार्टी के साथ अभी एसोसिएशन है दो उस पार्टी की टिकट लेके नहीं जा रहा इफ आई गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दूसरी पार्टी में स्विच कर जाऊं समझ रहे हो अगर मैं नॉमिनेट हो रहा हूं एंड नॉमिनेट होके होने के टाइम पाई एम एसोसिएटेड विद द पार्टी ठीक है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं वहां जाके स्विच कर लू सेकंड वो बंदा जिसकी मान लीजिए नॉमिनेशन के टाइम पे कोई एसोसिएशन ही नहीं है वो किसी पार्टी के साथ एसोसिएशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल वर्क जैसे मान लीजिए सचिन तेंडुलकर जी सो इफ ही इज नाउ बींग नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ठीक है तो वो क्या करेंगे उनको सिक्स मंथस का टाइम दिया जाएगा छह महीने में उसको पूछा जाएगा कि यू आर गेटिंग सिक्स मंथ्स हाउस में जाके आप डिसाइड कर लो किस पार्टी के साथ जाना है विद इन सिक्स मंथ यू चूज तो आप उस पार्टी के साथ रहोगे लेकिन अगर छह महीने के बाद आपने ऐसा कुछ एक्शन करा तो यू विल be डिस्कालीफाइड तो दो तरह के नॉमिनेटेड members, एक वैसे जिनकी पहले नॉमिनेशन के टाइम पे ही किसी पार्टी के साथ एसोसिएशन है वो तो बदल ही नहीं सकते सेकेंड थिंग वो बंदे जिनकी नॉमिनेशन के टाइम पे एसोसिएशन नहीं है उनको छह महीने का टाइम दिया जाता है याद रखिएगा ठीक है उसके बाद आते हैं जी वो मेंबर्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट मतलब जब वो चुनाव लड़ रहे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उन्होंने अपने लोगों को बोला था जी मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता मेरी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है आप मेरी आइडियोलॉजी में विश्वास करके मुझे जिताओ तो ये भी हो सकता है कि भाई उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो भी तीन चार पार्टी थी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की उन सबसे परेशान हो और इस वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताया ठीक है तो अभी लोगों का जो विश्वास है लोगों का ट्रस्ट है वो किसमें नहीं है पार्टीज में नहीं है ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट होके उनके विश्वास के ऊपर पार्लियामेंट में जाके ही इंडिपेंडेंट एमपी होगा ठीक है कोई छह महीने का टाइम कुछ नहीं है क्योंकि लोगों का विश्वास किसमें उसमें है लोग पार्टी में विश्वास करते होते किसी और कैंडिडेट को जिताते तो बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इमीडिएटली डिस्कालीफाइड समझ में आई चलिए अभी लास्ट एस्पेक्ट जो आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हो दैट इज कि भाई प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी हमने बोला कि ही कैन तो बोलाइडिंग ऑफिसर को कब डिस्कालीफाई किया जा सकता है मान लीजिए क्योंकि हमें तो यह बात पता है कि भाई प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने किसी सीनियर मोस्ट आदमी को इलेक्ट कर देते हैं या द पर्सन ऑफ इस चॉइस मान लीजिए स्पीकर इलेक्ट हो गए स्पीकर के एग्जांपल लेके एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर के एग्जांपल लेके समझते हैं इसको स्पीकर इलेक्ट हो गए आइडली जब भी हम पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो हम ये करते हैं कि जो स्पीकर की पोस्ट है, वो न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, जो स्पीकर बिलोंग्स टू एक्स पार्टी वो पहले एज अ हाउस में इलेक्ट तो एमपी होके गए थे और उस एक्स पार्टी के बिहाफ पे ही इलेक्ट होके गए थे लेकिन अभी वो बन गए स्पीकर एंड हमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो पोस्ट हो न्यूट्रल इसलिए अगर स्पीकर अपनी ओरिजिनल पार्टी जिससे वो इलेक्ट होकर आए हैं स्पीकर बनने के बाद उसे रिजाइन भी कर देते हैं स्पीकर विल नॉट बी डिस्कालीफाइड पर हमने तो बोला स्पीकर कैन भी तो वो कब होंगे तो स्पीकर अगर एक बार रिजाइन दे दिया नो प्रॉब्लम एट ऑल बट एक बार रिजाइन करने के बाद इफ यू रीजॉइन द पार्टी फिर स्पीकर विल बी डिस्कालीफाइड तो स्पीकर को ये बोला जाता है न्यूट्रल बन लो आपको एक मौका है कि भाई यू कैन बी स्टे न्यूट्रल पार्टी को छोड़ दो

वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उठाई हैं कुछ प्रोविजन जो हैं वो उठाई हैं हमने ब्रिटेन में से ठीक है तो ब्रिटेन में स्पीकर हमेशा न्यूट्रल होते हैं कैसा क्यों बोला जाता है क्योंकि जब भी वहां पे कोई बंदा स्पीकर इलेक्ट होता है ना वो हमेशा के लिए अपनी पार्टी छोड़ देते हैं आपने सुना होगा एक डिक्ट की स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर क्या मतलब होता है इसका चीजें पढ़नी नहीं है दिमाग लगा के सोचा करो वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर का मतलब ये होता है व्हेनेवर अ अ पर्सन बिकम्स स्पीकर इन द हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन में तो वो अपनी पार्टी छोड़ देते हैं एंड उनकी परमानेंटली हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक सीट नॉमिनेशन के लिए हमेशा उनके लिए रख दी जाती है स्पीकर के लिए तो ब्रिटेन में तो न्यूट्रलिटी स्पीकर एग्जिबिट करता है वो पार्टी छोड़ देता है लेकिन हमारे यहां पे हम स्पीकर को फाइनल अथॉरिटी बना रहे हैं लेकिन स्पीकर तो स्पीकर तो कभी पार्टी अपनी छोड़ते ही नहीं है ही नेवर एग्जिबिट्स न्यूट्रलिटी तो इसके लिए कि होतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी कि भाई स्पीकर का जो डिसीजन होगा ही शुड टेक द डिसीजन बोला कि हो तो लो लोहान केस में। याद रखेगा क्यों क्योंकि स्पीकर की पोस्ट भारत में न्यूट्रल नहीं है हमने स्पीकर को ये पावर दी क्यों दीजिए पावर बिकॉज हमने ब्रिटिश लाइन से ये चीज उठाई ब्रिटेन में वो न्यूट्रल होता है तो उसको ये पावर दे दी गई लेकिन हमने पावर तो दे दी लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है ठीक है और ऐसा स्पीकर का न्यूट्रल ना होना यह कहां पर पाया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोई पावर नहीं दी उनके वहां पे स्पीकर की पोस्ट इज नॉट न्यूट्रल तो लेकिन उन्होंने पावर भी नहीं दी इसके लिए ब्रिटेन में अगर पावर दी है तो स्पीकर की पोस्ट न्यूट्रल है आप क्या कर रहे हो विदाउट न्यूट्रलिटी स्पीकर को पावर दे रहे हो इसलिए होते तो हलोहन हो केस में जुडिशियरी ने बोला जी कि स्पीकर वुड बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू जो भी वो डिसीजन लेंगे एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस कोई डाउट इसमें डिस्कालिफिकेशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली हमने सारी देख ली है आरपीए वाली जो भी क्वालिफिकेशन होंगी है ना वो किसी और दिन लेक्चर में देखेंगे जो भी पांच छह सेक्शन है ठीक है सर अगर स्पीकर रिजाइन करे तो पार्टी उसे हटा भी सकती है फिर क्या होगा स्पीकर विल रिजाइन अपनी पार्टी से पार्टी उसे नहीं हटा सकती देर इज नो प्रोवेशन ठीक है इंडिपेंडेंट कांड ज्वाइन जी 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 चलिए आगे बढ़ते हैं आगे इस सीएमएस वॉज इन न्यूज ठीक है क्यों क्योंकि जो सीएमएस का लास्ट सीओपी हुआ था ना अभी समझो पहले सीओपी क्या होता है सीएमएस सीएमएस इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज तो माइग्रेटरी स्पीशीज को कैसे बचाना है इसके लिए वर्ल्ड विश्व भर में जो भी अपना प्रोसीजर बना है जो भी लोग इकट्ठे हुए उसको बोला जाता है जी सीएमएस सीएमएस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज की कि जितने भी देश पार्टी हैं सीएमएस कन्वेंशन को जो मान के आए हैं जी की हम सिग्नेटरीज हैं सीएमएस के उनकी एक मीटिंग हुई तो वो जो थर्टीन सीओपी थी वो हुई गांधीनगर गुजरात में कब हुई 2020 में इस साल हमने जो सिल्क रूट है ठीक है तो सीएमएस वालों ने बोला कि भाई जो सिल्क रूट है ना विश्व का उसमें हम जो समरकंद है समरकंद में इस साल वाली जो है अपनी सीएमएस करेंगे लेकिन वो अभी नहीं हो पाई है इट हैज बीन पोस्टपोन्ड टू 2024 2022 में होनी थी 2022 से उन्होंने बोला कि अभी 2023 में कराएंगे 23 से भी हटा के वो भी कर दी गई है फर्स्ट

ऐसा नहीं है कि भाई यूएनएफ ट्रिपल सी के जो मेंबर्स मेंबर्स हैं, वो इसके मेंबर्स भी होंगे। कई देश कॉमन सारे सारे तो हो सकते नहीं होंगे पेरिस वाली पता है दो हजार पंद्रह वाली जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में करी थी वो क्लाइमेट चेंज वालों की कॉप थी ये है जो थर्टींथ कॉप है ये वालों की, तो की अपनी अपनी कॉप होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लियर चलिए उसके बाद 1985 में पहली डिसीजन है, है है, तो लेते हैं पार्टी साथ में आई एक मीटिंग हुई उन्होंने डिसीजन ले लिया अभी भारत में भी ऐसे डिसीजन लिया जाता है पार्लियामेंट में लेकिन डिसीजन लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट कौन करता है सेक्रेटेरिएट है ना जैसे हम बोलते हैं कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर के बाद कौन है फाइनेंस सेक्रेटरी है ना तो वैसा ही इसको सेक्रेटेरिएट कौन देता है इसको सेक्रेटेरिएट देता है जी यूनेप ठीक है यूनप के अपने जो हेडक्वार्टर है याद रखना दे आर इन कीनिया वो कीनिया में है ठीक है लेकिन जब यूनेप इसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है तो यूनेप ने वो सेक्रेटेरिएट अपना कहां पे बनाया है बॉन जर्मनी में आपकी आज की क्लास का होमवर्क लिखो बहुत फेमस फेमस ऑर्गेनाइजेशन आपको सरप्राइज होगा जान के जिनको यूनेप ही सिर्फ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है तो आपको नाम आज मुझे बताने हैं कमेंट्स में कि किसको किसको यूनप सेक्रेटेरियट प्रोवाइड करता यूनाइटेड का एनवायरमेंट प्रोग्राम क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें प्लीज देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई सेक्रेटेरियट प्रोवाइड करता खुद कीनिया में है नरोबी में लेकिन जो लोकेशन है इसकी दैट इज इन बॉन जर्मनी क्लियर उसके बाद आ जाओ जो सी एम एस थर्टीन हुआ था हमारा जो गांधीनगर गुजरात में हुआ था आ, उसका जो लोगो था वो क्या था कोलम नामक एक आर्ट है ठीक है इट स्टैंड कोलम आर्ट है साउथ इंडिया की ठीक है तो ये उसका लोगो था याद रखना कोलम आर्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है उसके क्योंकि यूपीएससी ने दो साल हो गए पूछा नहीं बिकॉज इट वॉज वेरी मच इन न्यूज सब कोलम पढ़ के जाएंगे तो इस साल यूपीएससी पूछ सकता है पढ़ के जाइएगा कंटेम्प्रेरी फेर पूछने की आदत है उसको सेकंड थिंग जो इसका मैस्कट था मैस्कट क्या था इसका जीबी ठीक है जीबी स्टैंड फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है तो जीबी इसका मैस्कट था थीम याद रख लेना वैसे आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके पेपर तक ना वो अगले वाली सीएम सीओपी फोर्टीन शायद हो जाएगी ठीक है तो माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द द्लैनेट एंड टूगेदर वी वेलकम देम होम कि माइग्रेटरी स्पीशीज हैं जो सारी वो प्लेनेट को कनेक्ट करती हैं क्योंकि एक देश से चलेंगी दूसरे देश को जाएंगी एंड हम सब मिलके उनका जो भी एरिया है जहां से वो फ्लाई करती हैं उसको बचाएंगे एंड इसे हम अपने अपने घर में अपनी अपनी कंट्री में उनको वेलकम करेंगे दैट वाज द थीम तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एक आउटकम आया कि जो सीएमएस है ना जैसे आप आईयूसीएन पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो अपने एनिमल्स होते हैं सबको बांटा जाता है तो वन ऑफ द एनिमल उसी के चलते हुए कि जो है, इसके भी अपनी है। लेकिन उन को बोला जाता है जी, 1 Appendix 2. Appendix 1 का मतलब होता है कि वो स्पीशीज विच आर थ्रेटेड विद एक्सटेंशन वो माइग्रेटरी बर्ड जिनका हमें खदशा है कि भाई ये एक्सटेंटिव हो जाएंगे

वो स्पीशीज होंगी विच आर विद एक्सटेंशन तो हमने अपेंडिक्स वन में दस न्यू स्पीशीज एड करी दस के दस के नाम रखने याद रखने की याद की जरूरत नहीं बेंगोल फ्लरिकन स्लैश बेंगोल बस्टर्ड बीन मेन्शन ठीक है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड बेंगोल बस्टर्ड एशियन एलिफेंट एंड जेग्वार होगी चार याद रख लेना मोर देन है उसके बाद सीएमएस के चलते हुए एक और इनिशिएटिव भी था जो न्यूज में था दैट वॉज योर काउंटर मेजर ठीक है तो काउंटर मेजर में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एरिया पे ये फोकस कर रहा है दैट इज साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया लेकिन जो कंट्रीज इसके मेंबर हैं उनमें से कोई भी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की नहीं है ये इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है जहां पर यूपीएससी फंसा सकता है ठीक है तो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी रिवर्स हैं उन रिवर्स में से पॉल्यूशन खत्म करना है इस इनिशिएटिव के अंदर करेगा कौन जापान विद द हेल्प ऑफ यूनेप ठीक है सो जापान एंड यूनेप का प्रोजेक्ट है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन इन सी एंड रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया उनको खत्म करना है ताकि माइग्रेटरी स्पीशीज बच सके ठीक है तो साउथ ईस्ट एशिया वाले सारा रीजन ये वाला कवर है अगर दिस इज इंडिया दिस इज श्रीलंका ये अपना सारा रीजन दिस ऑल रीजन इज कवर्ड इंक्लूडिंग इंडिया यहां पे जो भी समंदर है रिवर्स है सबको कवर क्लीन करना है प्लास्टिक पोल्यूशन से करेगा कौन ऊपर वाला जापान एंड नीचे देन वी हैव वीवेप क्लियर नीचे क्यों बोला क्योंकि अफ्रीका में है उसके चलिए उसके बाद लेट्स मूव अहेड हमने भी एक प्लान बनाया दैट इज योर नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स किसका है हमारे एक ही बॉडी है जो एक्टिव है इस चीज में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्लियर उसके बाद कब से कब तक है पांच साल का ये प्लान है अठारह से लेकर तेईस साल इस साल इसकी डेडलाइन है इसलिए ये प्लान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो ये प्लान है किसके लिए कि भाई वो बर्ड्स क्योंकि देखो ना जो बर्ड्स ट्रेवल करते हैं ना माइग्रेट करते हैं है ना सारे साल में उनके आठ मेजर माइग्रेटरी फ्लाईवेज हैं जिनमें से तीन है अमेरिका में ठीक है अमेरिका मान लीजिए एज अ कॉन्टिनेंट इमेजिन करो सबसे उधर अमेरिका का क्या है पैसिफिक है ना ओशन तो सबसे पहला पेसिफिक अमेरिका उसके बाद अमेरिका का सेंट्रल पोर्शन उसको नाम दिया गया मिसिसिपी अमेरिका ठीक है उसके बाद जो इस साइड वाला है दैट इज कॉल्ड एज अटलांटिक अमेरिका तो तीन अमेरिका वाले हो गए सबसे उधर पैसिफिक वाला सब वाला सबसे बीच कॉल्ड एज मिसिसिपी अमेरिका माइग्रेटरी फ्लाईवे एंड थर्ड इधर वाला अटलांटिक ओशन है तो याद रख लो अटलांटिक ठीक है तीन हो गए कवर उसके बाद लेट्स कम टू यूरोप एरिया यूरोप में इफ दिस इज अटलांटिक ये अटलांटिक की वेस्ट साइड ये अटलांटिक की ईस्ट साइड तो अगर वेस्ट वाले को हमने बोल ही दिया कि भाई ये अटलांटिक वाला है अमेरिका अटलांटिक

ज योर वेस्ट एशियन है ना उसके बाद वी हैल एशियन एंड देन योर ईस्ट एशियन क्लियर चलो तो भारत किस में लाई करता है यह पता होना जरूरी है इंडिया लाइज इन सेंट्रल एशियन वन ठीक है याद रखना है इसको इंडिया लाइज इन सेंट्रल एशियन वन इस वाले में इंडिया लाई करता है तो हमने जो नेशनल प्लान ऑफ कंजर्वेशन बनाया है वो किसके लिए बनाया फॉर बर्ड विच आर यूजिंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इनके लिए बनाया क्लियर चलो एक बार फिर से देख लें मुझे मुझे लगता है यार ना ये चीज इस बार एक्सप्लोर करी जा सकती है सबसे पहले वो पैसिफिक वाला आ गया फिर अमेरिका का सेंट्रल मिसीसीपी एंड देन वी हैव एस एटलांटिक वाला उसके बाद यूरोप में आए अटलांटिक का ईस्टर्न पोर्शन देन इज वी हैव ईस्ट उसके बाद यूरोप के सेंटर में क्या है मेडिटेरेनियन तो मेडिटेरेनियन वाला आ जाएगा उसके बाद यहां पे क्या है वी हैव एस वेस्ट एशिया ठीक है तो तीन हो गए वेस्ट एशिया शुरू हो गया वेस्ट के बाद सेंट्रल एशिया सेंट्रल के बाद ईस्टर्न एशिया तीन एशिया के तीन अमेरिका के दो बीच वाले ठीक है चलो इंडिया कम्स अंडर सेंट्रलेशन यस यस ये किस कन्वेंशन को सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है छह सात है सबके नाम आप बताओगे आज चलिए देन वी हैव योर पीटी वाई कोर्स फॉर यू दिस कोर्स इज अवेलेबल इन ऑल द थ्री लैंग्वेजेस बेसिकली अभी जो मॉडिफिकेशन आया है वी हैव ब्रॉड द एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी फॉर यू ठीक है तो डेमोक्रेटिक एक चॉइस फ्लेक्सीबिलिटी तो अगर यू आर प्रेपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर आप सिल्वर पैक ले सकते हो दैज फॉर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन 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 इफ एर प्रेपेरिंग ट्वेंटी फाइव तो आप इसी की वैलिडिटी जो थर्टी मंथ तक भी ले सकते हो दैट इज एंड अगर आप ग्रेजुएशन के अभी फर्स्ट ईयर में हो एंड यू राइट नाउ वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन तो आप दैट इज फॉर मंथ्स ये भी सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है जो कोर्स है वो टेंथ ऑफ अक्टूबर शाम को छह बजे से शुरू हो रहा है एंड इफ यू टू वेल द डिस्काउंट यू कैन अपलाई द कोड जी एस तो इस कोड को लेके यू कैन बाय द कोर्स चलिए उसके बाद इसका मैस्कट क्या था जिबी तो जिबी आ,

उसने बोला कि भाई डेजर्ट नेशनल पार्क इज इन टू डिस्ट्रिक्ट के बाद कि भाई, अब क्या हमें ज्योग्राफी भी देखनी पड़ेगी दिस एंड करना है वैसे सब कुछ बट स्टेटमेंट थी उसमें थर्ड स्टेटमेंट पार्क की देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट फाउंड आज पढ़ के देखना वर्ड रिटर्न नो ह्यूमन सेटलमेंट कैन यू इमेजिन कि भाई कंट्री

लेकिन दिस ईयर यूपीएससी को यह था कि भाई अगर क्वेश्चन के के पांच 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 पहलू हैं तो पांच के पांच आपके दिमाग में हो तो हम भी कुछ वैसी जिबी इसके बारे में बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऐसा था कि भाई जिबी को हम बना देते हैं नेशनल बर्ड लेकिन नेशनल बर्ड कौन पीकॉक तो बनाया क्यों नहीं गया क्योंकि इसका नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड बस्टर्ड साउंड वेरी सिमिलर टू दर्ड बास्टर्ड यूज बायुजिव लैंग्वेज ठीक है तो दे कि भाई ब्रिटिशर्स वुड कॉल इट एज बास्टर्ड देर की जिबी वॉज अ फ्रंट रनर पर इसको बनाया नहीं गया ठीक है चलिए उसके बाद कितने हैं सिर्फ डेढ़ सौ के करीब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं क्या यूपीएससी पूछे भाई सिर्फ इंडिया में मिलते हैं नहीं नॉट ओनली इन इंडिया अपना पाकिस्तान में भी मिलते हैं क्योंकि राजस्थान का जो वाला एरिया जहां पे ये पाए जाते हैं दैट शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान सो ये पाकिस्तान में भी मिलते हैं क्लियर उसके बाद वी हैव हाँ प्रोजेक्ट गोदावन तो राजस्थान जहां पे इनका गढ़ है उस स्टेट ने इनके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करा है इसमें कंफ्यूज क्या करेगा कुछ नहीं है प्रोजेक्ट गोदावन इट इज ओनली फॉर द कंजर्वेशन ठीक है तो इनकी कंजर्वेशन के लिए लेकिन कंफ्यूज क्या करेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का है इसका है उसका है नहीं राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ठीक है उसके बाद ये मैस्कर था सीओपी थर्टीन का राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है लास्टली इसके रीजन क्या है इफ यू आस्क मी कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने रीजन ऑफ डिक्लाइन गंगेटिक डॉल्फिन के क्या है वो पूछ लिए थे ठीक है उसमें वन ऑफ द पॉइंट वर्स कि भाई घड़ियाल उनको खा जाता है ऐसा नहीं था दैट वॉज नॉट अ पॉइंट ठीक है उसके बाद इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन के रीजन क्या नंबर वन एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स ठीक है तो क्योंकि ये फूड ग्रेन पे डिपेंडेंट रहते हैं पेस्टिसाइड इनके अंदर जाते हैं देन आर टू प्रोसीजर्स एंड मैग्निफिकेशन तो उनकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है सेकंड रीजन एज की भाई जो ग्रास नहीं रहे तो ग्रास में क्या है कि भाई पहले डेंस होते थे अभी ग्रासलैंड डेंस नहीं रहे तो जिबी क्या है जिबी इज अवी बर्ड बहुत बड़ा होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वेरी हैवी बर्ड तो इनको ना फ्लाइट करते टाइम वन दे फ्लाई दे कैन फ्लाई पर जब उड़ने लगते हैं ना तो प्लेन की जैसे इनको पहले टेक ऑफ चाहिए होता है

वी बट फ्लाईज किसके साथ याद करके रखना है चलो अभी हमारे इंटरलिंग बनने लग जाएंगे नेक्स्ट थिंग जो इसी के साथ है that is your vultures. तो ये क्यों न्यूज में वल्चर एक्शन प्लान देर इज देयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है वो प्लान उसके अंदर हमें पांच टाइप ऑफ वल्चर देखने हैं ठीक है विच आर दाइव काइंड ऑफ वल्चर रेड व्हाइट

तो इसको बोलते हैं क्या अगर यूपीएससी पूछे भाई ये वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है सो दैट इज कॉल्ड एज कैप्टिव ब्रीडिंग कि पकड़ के इनको ब्रीड कराएंगे उसके बाद प्लस अलोंग विद विदेड विद रेयर एंड रिलीज टेक्नोलॉजी रेयर एंड रिलीज टेक्नोलॉजी रेयर करके विल रिलीज देम टू देयर चलिए उसके बाद अभी जो नया सबसे नया है वो बना कहां पे है देर इज दिस सिटी इन हरियाणा कॉल्ड एज पिंजौर ठीक है तो पिंजौर हरियाणा में बना है अच्छा हरियाणा का एक और एरिया जो हमने दो दिन पहले पढ़ा था जहां पे कुछ शिफ्ट हुआ है जल्दी बताओ लाइफ चैट में चलिए तो हरियाणा के पिंजौर में हमने ये बनाया है हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और साथ में हमारे पास बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन्वॉल्व है इसमें ठीक है लेकिन इसमें जितनी हमने स्पीशीज आपने पीछे देखी उसमें से सिर्फ तीन स्पीशीज को इसके अंडर कवर कर रहे हैं आर दोस्त थ्री वाइट लॉन्ग एंड सिलेंडर वाइट लॉन्ग एंड सिलेंडर यहां पर ना जो चार लिखी एक मिस हो गई आई गेस तो जो बिल्ड होते हैं ना बिल्ड वन आर ऑफ टू टाइप्स दिस इज योर लॉन्ग बिल्ड एंड सिलेंडर बिल्ड मतलब एक जिनकी चोच लंबी होगी एक जिनकी चोच विल बी ऑफ अलेंडर नेचर तो यह दो तरह के वल्चर होते हैं तो टोटली क्रिटिकली एंड डेंजर्ड आर फाइव सिर्फ इनके नाम याद रखना रेड व्हाइट रेड एंड व्हाइट आपको पता होगा ठीक है रेड एंड व्हाइट उसके बाद दो बिल आ गई लॉन्ग एंड सिलेंडर एंड लास्टली वी हैव इंडियन वल्चर क्लियर चलिए तो अच्छा उसके बाद व्हाट इज इज इंपॉर्टेंट कि भाई अभी वाला हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बी एन एच एस दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी उसके साथ मैनेज कर रहा है ए, क्या ये इंडिया का पहला है नहीं ये इंडिया का नाइन्थ है ऑलरेडी वी हैव सो इट इज वन Nine में से अगर यूपीएससी पूछे के करता है। उसके बाद इनकी पॉपुलेशन हो रही थी उसके पीछे रीजन था, Diclofinac. Diclofinac आपने घर में भी देखा होगा आमतौर तो इफ यूर पेरेंट्स एक्सेट्रा ग्रैंड पेरेंट्स को आदत होती है कुछ भी दुखे बॉडी का सो देर लाइक हम Diclofinac ले लेते हैं तो डिक्लोफिनेक इज वेरी हार्मफुल ठीक है वाई आई विल टेल यू

ठीक है तो उनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है Accumulate. तो उसको क्या बोलते हैं बायो अभी मान लीजिए एक कार्कस मतलब वो मर गया तो उसका कार्कस बचेगा बफलो का दूसरी बफलो काफलो का चौथी बफलो का पांचवी बफलो का वल्चर्स तो छे सात बफलो मान लीजिए आप खा गए तो एक बफलो में लेट से एक ग्राम का बायो बायोक्यूमुलेशन है सात बफलो जो वल्चर बफलो खा गया उसके अंदर तो सात ग्राम आ गया राइट और वल्चर्स को क्या बोला जाता है नेचुरल क्लीनर्स ठीक है इनकी जो डाइजेशन की कैपेसिटी होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है इनको कुछ भी बच जाता है इसीलिए दे आर कॉल्ड एज क्लीनर्स ठीक है लेकिन डिक्लोफनाक एक ऐसा था जिनने इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वल्चर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम एनीथिंग इन द वर्ल्ड को रप्चर कर दिया एंड दैट्स इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया वो अभी हम हरियाणा के पिंजौर में खत्म करना चाह रहे हैं ठीक है uh. चलिए उसके बाद वी हैव हाँ द कॉन्सेप्ट ऑफ वल्चर रेस्टोरेंट्स आल्सो ऐसा नहीं है कि भाई आ, कुछ वल्चर वहां पे खिलाए जाएंगे ये नहीं वल्चर्स को खिलाया जाएगा ठीक है सो वी आर नाउ बिल्डिंग स्पेशल प्लेसेस जहां पे व्हाट विल हैपन जो कारकेस है एनिमल्स का इफ वी सॉइल टू देम तो हम एक पर्टिकुलर प्लेस एलोकेट कर देंगे जहां पे कुछ ऐसा होगा कि वल्चर्स का एरिया नियर है उसके और वहां पे ले जाके उनको रखा जाएगा वल्चर्स विल कम एंड हैव देयर मील ठीक है दे आर दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वी कॉल वल्चर पहला बना था साउथ अफ्रीका में 1966 में और अभी हमने जो रिसेंटली uh, है दैट इज योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत का पहला है ठीक है इसको बस कंफ्यूज मत करना फैनसाड को अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना महाराष्ट्र वाले एरिया में वैसे की बायोस्फेर रिजर्व है नहीं तो उस वाले की जितने भी टाइगर रिजर्व होंगे ये वाली चीजें होंगी प्लीज लिखते रहना तो फैनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र वहां पे हमने बनाया है वल्चर uh, रेस्टोरेंट उसके बाद इसको कंफ्यूज मत करिएगा ठीक है ब्रीडिंग सेंटर के साथ ब्रीडिंग सेंटर पिंजोर में चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग सी बी डी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है तो अभी समझो जब अपना 1991 और 1992 में वर्ल्ड लेवल पे एनवायरमेंट की कन्वेंशन हुई थी तो उसमें से तीन बॉडीज निकल के आई थी ठीक है सबसे पहली थी क्लाइमेट चेंज के लिए जिसका नाम है जी ट्रिपल सी। आप बोल रहे थे ना सर को कैसे ठीक है? 1990, नाम क्या था, तो रियो में जब हुआ वहां से तीन को बनाया गया सबसे पहली बॉडी क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट देखने के लिए जिसका नाम रखा गया यूएनएफ ट्रिपल सी जिसकी कॉप थी 2015 में ट्वेंटी फर्स्ट सीओपी वर्ल्ड इन पैरिस जहां पे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया था ठीक है दूसरा आया हमारे पास सीबीडी एंड तीसरा आया यू एन सी सी डी तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं इस चीज की इट स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अच्छा जल्दी से कमेंट्स में बताओ क्या हमने कुछ भी आपको लगता है अभी तक कवर करा है क्लासेस में जो सीबीडी के अंदर आ सकता है एनी प्रोटोकॉल एनी थिंग दैट कैन कम अंडर दिस टूडेज मैराथन पी डी एफ अभी जाके अपलोड करता हूं ठीक है अभी देर सारा दिन। जल्दी बताओ वॉट इज द थिंग जो आपको लगता है भाई, CBD में सर आ सकती हमने करी हुई है अच्छा एक हिंट आज की मैराथन में भी करी थी जल्दी बताओ मैराथन वाले भी बताओ वॉट इज दैट नहीं सर करी थी जीन ट्रांसफर जब हम कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हाइब्रिड में वॉट विल बी कवर्ड अंडर कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी अगर वो जीन ट्रांसफर कर रहा होगा इट विल बी कवर्ड एल्स इट विल नॉट बी कवर्ड तो वो सीबीडी उसी को देखता है सबसे पहला इनिशिएटिव जो हम लेके आए 2000 में दैट वॉज योर कार्टाजीना प्रोटोकॉल फॉर बायोडाइवर्सिटी वो सीबीडी के अंदर है ठीक है दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरलिंक द थिंग्स नाउ आई एम टेलिंग यू दो महीनों तक विल बी ऑलरेडी वेंट थ्रू एंटायर सिलेबस फिर इंटरलिंकिन शुरू हो जाएगी अभी भी वैसे हो गई है प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग इट चलिए सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आया इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉन्ट्रियल कैनेडा में है याद रखना इट इज इन मॉन्ट्रियल कैनेडा तीन चीजें हमने बोला कि भाई सीबीडी के अंदर ये देखेगा नंबर वन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेकेंड इज सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कॉम्पोनेट्स की बायोडावर्सिटी को एक तो कंजर्व करेंगे जो भी बायोडावर्सिटी है उसको सस्टेनेबली यूज करेंगे इज सस्टेनेबल यूज कि भाई हम भी यूज करें लेकिन हम यूज करते हुए कुछ इस प्रकार से करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए भी वो बचे एंड थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स इफ यू रिमेंबर हमने दो शब्द करे थे बायो पायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग तो बायो पायरेसी में क्या हो रहा था मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी हमारे जो इधर वाले लोग थे जो जो पीछे अपना ट्राइबल लोग थे जो जिनको प्रॉपर ट्रेडिशनल नॉलेज थी उनसे पूछ के जा रहे थे बाहर जाके पेटेंट करा रहे थे, तो वो क्या उनको पैसा दे रहे थे थर्ड शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अंडरस्टैंड आज बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायो पायरेसी के नोट्स खोल के देखना दिस पॉइंट विल बी देयर अनदर इंटरलिंकेज ठीक है उसके बाद दो में इसी का जो सीबीडी था तो सीबीडी का हम एक प्रोटोकॉल लेके आए मतलब हम कैसे और चीजें फॉलो करेंगे इसमें। तो मॉडिफाइड चीजें में है, उनको हैंडल कैसे करना है कैसे हमने ये इंश्योर करना है कि भाई अमेरिका की कोई चीज आपको याद हो फिर से एक और इंटरलिंकेज केरला में कौन सा टर्टल मिलता है केरला में हमने एक टर्टल करा था क्लास में विच वॉज दैट टर्टल जल्दी बताओ We find one turtle in Kerala. Tell me fast, ASAP. I'm waiting for you guys. Which turtle do we find in Kerala? कौन सा टोटल है फ्लैट टोटल लॉगर है डॉलिव रिडली क्या यार ऐसा मत करो यार रेड टोटल करा था इफ यू रिमेंबर हमने बोला था भाई ये मिलता है एक रेड इधर और वो क्या है वो मेक्सिको से आया है इन्विजिव स्पीशीज है

सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एल एमओ लिविंग बट मॉडिफाइडिंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का सेफ हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज सेकेंड थिंग एस्टेब्लिशिंग एडवांस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट प्रोसीजर मतलब ए आई ए एस्टैब्लिश करो कि भाई अगर आप कुछ एल एम ओ भेज रहे हो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भेज रहे हो जो लिविंग तो है बट मॉडिफाइड है ठीक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड है उसको आप भेज रहे हो तो ऑलरेडी देयर शुड बी अ एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द कंट्री यू आर सेंडिंग टू ठीक है सो पहला पॉइंट इज एलएमओ एलएमओ अगर भेज रहे हो तो आपको एआईए कराना है उसका एंड लास्ट थिंग इज हर एक कंट्री को अपनी कंट्री में एक बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस भी बनाना है तो सेकेंड इज लास्ट इज बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस क्यों क्योंकि अगर मान लीजिए वन परसेंट एडवांटेज प्रेजेंस वाले क्लॉज में कुछ आ गया तो आप भी तो एक चेक रखो अपने इंडिया में ठीक है कि भाई बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस रखो जहां से चीजें क्लियर होकर देन दे विल गो टू तो इंडिया इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड तो तीन चीजें बोलता है कार्टा जी ना नंबर वन का सेफ हैंडलिंग एंड एंड ट्रांसपोर्ट यूज सेकंड थिंग इज एल ओ अगर भेज रहे हो तो दूसरी कंट्री को एडवांस में इंफॉर्म करना दैट इज एआई एंड थर्ड थिंग इज अपनी कंट्री का खुद का भी एक बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस होना चाहिए क्लियर चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग उसके बाद 2010 में आया नागोया प्रोटोकॉल सीबीडी तो CBD 1992 में आया उसका पहला प्रोटोकॉल 2000 में प्रोटोकॉल देन 2010 में उससे 10 साल बाद प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या बोलता है जो सीबीडी का थर्ड पॉइंट था फेयर एंड इक्विटेबल यूज ऑफ बेनिफिट शेयरिंग इसको उठाता है और इसको एक्सप्लोर करता है पहला वो बोलता है कि भाई फेयर एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज ये पॉइंट आई होप क्लियर है no need to explain it. देना है And lastly, PIA मतलब कि मान लीजिए अगर ये MNC वाले हैं ठीक है थीके? ये traditional जिनको पास people है, जिनके पास पास हैं है उनका कुछ भी नॉलेज यूज करके उसको कैपिटलाइज करने लगे हैं तो एक पी आई सी उनको देना है प्रोवाइड इन्फॉर्मड कंसेंट होना इनका पी आई सी होना चाहिए एंड लास्टली इन दोनों पार्टीज के बीच में उसको कैपिटलाइज करने की जो भी बातचीत हुई है

दो हजार दस का प्रोटोकॉल। नाउ डोंट कंफ्यूज लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि भाई 2010 में नागोया प्रोटोकॉल आया एंड 2010 में ही नागोया कोलामपुर आया तो दीज आर सेम नहीं ठीक है नागोया प्रोटोकॉल जो ये अपना थर्ड पॉइंट था ये वाला ठीक है इस पर कैपिटलाइज कर रहा था लेकिन नागोया कोला लंपुर इज एन एडवांसमेंट ऑन कार्टेजीना ठीक है तो 10 साल बाद कार्टाजिना में जो चेंजेस आए दैट इज नगोया कालालमपुर ओनली नगोया इज फॉर द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस लेकिन दोनों या तीनों है किसके सीबीडी के क्लियर सो so, 2010 का जो नगोया कालालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था तो यू हैव टू रिमेम्बर कि भाई ये था किसका तो इट वाज ऑफ कार्टाजिना अडॉप्ट करा गया 2010 में एट नगोया ठीक है एंड इट वाज एनफोर्स इन क्या करता है लाइबिलिटी क्रिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ठीक है उसके बाद देखो बेसिकली ये जो आया था ये बोलता है कि भाई मान लीजिए आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एल चला गया और एल एम ओ ने जाके कुछ डैमेज कर दिया तो उस डैमेज की लाइबिलिटी दैट इज जिम्मेवारी किसकी होगी ये चीज कौन स्टेब्लिश करता है नगोया क्वालमपुर पहले लाइबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं तो इसने लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आया ठीक है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट में क्लियर सो दैट वॉज इट विद रिस्पेक्ट टू टूडे क्लास कल एक बार रिजर्व भी करेंगे ठीक है बस रिवाइज करते रहिए आई होप आई एम क्लियर विद एवरी थिंग चलिए गुड नाइट एवरीबॉडी ठीक है कीप ऑन रिवाइजिंग अभी मैं जाके आई विल बी होम हाफ एन आवर में इसका पीडीएफ और अपना वो मैराथन वाला वो मैं शेयर करता हूँ अच्छा जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन मैराथन जो अपने अपने वाले हैं बच्चे ए टी जी सी ठीक है लेकिन वेन वी कम टू आर एन A, U, ए यू जी एंड सी सो दिस रिप्लेस दिस ठीक है बाकी मैं करेक्शन में बता दूंगा आपको ये चीज याद रख लीजिएगा चलो ठीक है देन ठीक है सी यू गाइस